यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनियेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो न हो यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह न मरेगा, परंतु यह है कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जातीं
वे जगत में भी न समाती।